सारे बच्चे गिर जाओ। ये भजन सीन हो गया यहाँ पे बहुत बड़ा। अदनान भाई की बाइक जो है ना यहीं पे पार्क की थी, यहाँ पे ये देखे यहाँ पे पार्क की थी, लेकिन अभी नहीं है। आज जो है ना हम दोस्तों के दरमियान कॉइन नहीं उछलेगा, आज डायरेक्ट रेस्टोरेंट का ओनर। अगर मैं जीता ना तो ओनर बिल ही नहीं लेगा, और अगर ये जीत गया तो मैं बिल पे करूंगा। ठीक है भजन, ओके। देखे मुस्तफा अभी सो रहे हैं, ये अभी उठे नहीं है। आज हमने इनको घर में लॉक कर दिया है। मैंने और अम्मी ने सोचा कि आज हम दरवाजे को ताला लगा देते हैं ताकि ये पूरा दिन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। देखें हमने दरवाजे पे ताला लगा दिया है, अब ये घर से बाहर नहीं जा सकेंगे। वेलकम बैक टू द चैनल, आप कैसे हैं? मैं अदर कबीर आपका भाई। अस्सलाम वालेकुम। बाकी तो आप लोगों को जो है ना इंट्रोडक्शन अब्दुल कबीर ने दे दिया। अब्दुल कबीर कैसे हो आप? ठीक हो अब्दुल कबीर ने? अच्छा मुझे जो है ना अभी पता चला कि ये देखें अब्दुल कबीर ने जो नाइट सूट का जो पजामा पहना है ना ये अम्मी ने सिया है। अम्मी जो है ना सिलाई करने की मास्टर हैं, अपने वक्त में सिलाई भी किया करती थी, लेकिन अब जो है ना ऐसे टाइम पास में शौक में जो है ना बच्चों के कुछ ना कुछ चीजें सीती रहती हैं। अब कितनी सस्ती अम्मी ने एक चीज बनाई है मैं आपको दिखाता हूँ जरा। ये जो है ना तीन फ्रॉक है अलग अलग साइज के, ठीक है, कितने प्यारे कितने जबरदस्त सिले हैं। ठीक है ये तीन फ्रॉक की क्या कॉस्ट आई होगी ये आप जो है ना मेरी अम्मी बताएंगी। मम्मी कितने का कपड़ा लिया था आपने? 20 रुपए का कपड़ा कहाँ से लिया था? राबी सेंटर में, जुम्मे दिन जुम्मे को वो सेल लगी हुई होती है ना कट पीस की। ओके तो 20 रुपए का ये कपड़ा आया। इसके अंदर अम्मी ने बोला का क्या किया जाए, अम्मी ने बोला चलने टाइम पास करते हैं बच्चियों के फ्रॉक सी देते हैं। तो अपनी नवासियों के जो है ना सबके फ्रॉक हर साइज के अलग अलग फ्रॉक सी दिए। तो अम्मी जो है ना बहुत पहले से जो है ना इस तरह बच्चों के कपड़े जो है ना बड़े शौक से सीती हैं। देख लिया आप लोगों ने भाई, दिन का स्टार्ट करते हैं अब्दुल कबीर के साथ। भाई ये क्या सीन है, ये ताला क्यों लगा हुआ है? छुट्टी बंद है। किस चीज की छुट्टी बंद है? आज अब नहीं जाओगे घर से, हैं? घर में रहना है आज। क्यों घर में रहना भाई? बाहर जाता है तो आता ही नहीं, ये होश नहीं होता। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मजाक कर रहे हो ना आप लोग? नहीं चाबी तो मेरे पास है भाई। अब ये लोग तो जो है ना बिल्कुल सीरियस हैं और ये लोगों ने बोल दिया है कि जो चाबी तो मैं आपका भाई कुछ भी जुगाड़ कर सकता है, बगैर दरवाजे के भी कहीं से बाहर निकल सकता है। लेकिन मसला ये कि आज इन लोगों ने बोल दिया कि आज आपने जो है ना पूरा दिन घर में रहना है और हमारे साथ ही टाइम स्पेंड करना है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि सही घर में तो हम रह लेंगे, ठीक है, कोई ऐसा बाहर का कोई खास काम भी नहीं है, लेकिन घर में बैठ के करेंगे क्या पूरा दिन भाई? अब इसके ऊपर कुछ सोचना पड़ेगा, सही ना, कुछ ऐसा कि घर में ही हम कोई VIP सेटअप आज करें। अब्दुल कबीर आज पूरा दिन क्या करेंगे घर में बताओ ना। बलून अब कुछ सोचते हैं। अरे बलून से मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। करें कुछ कुछ गड़बड़ करें, कोई बड़ी गड़बड़ करें। हाँ वे आइडिया आ गया मेरे दिमाग में, एक आइडिया आ गया। ये अच्छा जो आइडिया मेरे दिमाग में आया है ना उसके लिए मुझे ताला खुलवाना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए जो है ना इनसे इजाजत लेके बाहर निकलना पड़ेगा, वरना वो हम जो है ना प्लान कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। ठीक है भाई, बड़ी मुश्किल से जो है ना इन लोगों को मना के चाबी ले ली है, सही है। अब मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक जगह जा रहा हूँ, कुछ सेटअप अगर मुझे मिल गया तो मैं लेके आता हूँ, और आज हम कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? डिफरेंट। बेगम मेरे दिमाग में जो है ना एक बड़ा जबरदस्त आइडिया है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं जो बचपन से हम चाहते थे कि कभी करें, आज वो पूरा करेंगे। ठीक है क्या प्रोग्राम है? बस प्रोग्राम अभी आके फिर बताता हूँ ना तुमको। जैसी चीजें मत लेकर आना जो कमरे में एक्स्ट्रा रखनी पड़े। नहीं रखनी पड़ेगी, टेंशन नहीं है, जो चीजें लेके आऊंगा ना वो आज के आज गायब भी हो जाएंगी। दाद हो गया आपका भाई, ताला खोल दिया। बेगम एक बात बताऊँ, मैंने आप लोगों को टोपी कराई है, मैं जा रहा हूँ और रात को ही आऊंगा। नहीं ऐसा नहीं करोगे आप? हैं ऐसा लगता है तुमको? जी सही है, आ जाऊंगा, क्या याद करोगी तुम? आज भाई जो कारनामा करने का सोचा है ना मैंने, वो सोचने की हद तक तो बड़ा मजेदार है, बड़ा आसान है, लेकिन करना जो प्रैक्टिकल है ना वो बड़ा मुश्किल है। तो आज ही हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हमसे हो भी पाता है या नहीं। निकल गए हैं मार्केट की तरफ और आज तीसरा दिन है कि आज भी जो है ना सफर बाइक पे हो रहा है। ये सब कैसे आप जा रहा है भाई? भुट्टा भाई मुझे जो चीज़ चाहिए ना वो मुझे मेरे घर के पास से ही मिल सकती थी, लेकिन मुझे क्योंकि ज़्यादा तादाद में चाहिए तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती, तो मैंने सोचा क्यों ना होलसेल मार्केट में जाके जो है ना लेते हैं। तो अभी हम लोग जो है ना सदर से गुजर रहे हैं, बिजिएस्ट मार्केट ऑफ कराची। सर्दी आ रही है भाई, सर्दी जैकेट्स वगैरह मिलना स्टार्ट हो गई हर जगह। अदनान भाई जो है ना हमारे जज्बात के साथ खेल रहे हैं, ये बंस रोड से हमें गुजार रहे हैं। अब बंस रोड से जो है ना बंदा आता है ना तो भूख लग जाती है, लेकिन आज जो है ना घर वालों के साथ ही खाना खाना है, तो अभी जो है ना आपका भाई दिल पे पत्थर रखेगा। भाई हम जो है ना बहुत सारे बलून परचेज करने के लिए जा रहे हैं, हमारी जो छत है वो पूरी छत हमने जो है ना आज बलून से भर देनी है। यानी क्या हाल है, कैसे हो यार? ये बलून होलसेल में दुकानें किधर है, कहाँ मिलेंगे? सीधे यहाँ पे सारी दुकान, सीधा जाऊँ पहले तो फिर पहली गली आएगी उल्टे हाथ पे चला जाऊँ? सही है, देख रहे हैं ना आप लोग कितना रश होता है यहाँ पे, पैदल चलना भी मुश्किल होता है दिन के टाइम पे इस मार्केट में।
भाई अब हम फाइनली पहुंच गए हैं जहां पे गुब्बारों की जो है ना बलून्स की होलसेल मार्केट। ये देखिए कोई मुंह से थोड़ी फुलाने, ये तो कोई पंप वंप होगा ना, अगर मुंह से फुलाएंगे तो हम ही फूल जाएंगे भाई। जुलूस से तभी पूरा होगा कि बंदा मुंह से फुलाए। तो आप फुला दीजिएगा, चैलेंज देता हूँ मेरा आईफोन आपका अगर आपने सारे फुला दिए। भाई दुकान वाले पूछ रहे हैं हमसे कि आज इवेंट कौन सा है ताकि उसके हिसाब से बलून बताओ। हमने बोला इवेंट ये है कि हम आज फारिग हैं इसीलिए जो है ना हम बलून फुला रहे हैं। अच्छी क्वालिटी का है ये, वाह इतना भरे बस ना, सही है वरना फट जाएगा। ठीक है बेहतरीन हो गया भाई। हमने तीन कलर्स ले लिए, रेड ले लिया, ग्रीन ले लिया, येलो ले लिया। ये कह रहे हैं 900 बलून्स ले लें। हमने जो है ना अपनी छत का साइज बताया, उन्होंने बोला ये काफी है। मैंने भाई को बोला कम नहीं पड़ने चाहिए, बल्ले ज्यादा हो जाए। बस फरागत के अंदर अगर बंदा फुलाए तो ये कलर सही है ना, है सही है। सिमसिम की बॉल खिलाती थी ना ये, हाँ पिंग पोंग बॉल, हाँ ये बचपन में हम लोग खेलते थे ना, और ये अम्मी अबू जो है ना लेने नहीं देते ये बॉल, क्योंकि जो है ना बच्चे मुंह में डाल लेते थे। ये वो वाली बॉलें भी नजर आ गई भाई जान, आज हर साइज की, छोटी है बड़ी है भाई। ये जो है ना 9 पैकेट्स हमने ले लिए, और ये मशीन आ गई हमारी, ये मशीन जो है ना आसानी से फूल जाएंगे सारे बलून इसके अंदर। ये थोड़ा बता भी दीजिएगा कैसे चलती है, सब चाइना सेल भी लेना होंगे इसके? सेल नहीं है, इलेक्ट्रिक है, ऑटोमेटिक है भाई, हल्का नहीं लेना चाइना की चीज को, इलेक्ट्रिक बलून पंप है ये। 900 बलून कितनी देर में फुला के फारिग कर देगी? आधे घंटे में। वाह यार कैसे चली, चली कैसे? ऑटोमेटिक है। अच्छा इसको दबाया और चली, वाह भाई। ये देखो ये डायरेक्ट, अच्छा ये डायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं चलाऊं ऑटोमेटिक चलाऊं, बस इसको बलून रख के दबाया और चल गई। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह भाई, हमारी शॉपिंग हो गई, अब हम जा रहे हैं घर पे। भजन सीन हो गया यहाँ पे बहुत बड़ा। अदनान भाई की बाइक जो है ना यहीं पे पार्क की थी, यहाँ पे ये देखे यहाँ पे पार्क की थी, लेकिन अभी नहीं है। और बीच में खड़ी हो ना बाइक तो कोई लेके भी नहीं जाता, पता नहीं क्या सीन है। ये देखें अदनान भाई की खुशी देखें, बाइक गुम हो जाने की खुशी देखें आप। अब हमारी जो है ना फारी हो गई है, अब हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, क्योंकि नो पार्किंग की वजह से शायद उठा के ले गए, तो अब हम जो है ना थोड़ी सी वॉक भी कर लेंगे इसी बहाने, फिर वहाँ से बाइक रिलीज करा के फिर जाएंगे घर पे। इससे नो पार्किंग में थी नहीं, अदनान ने पार्किंग में लगाई थी, बिल्कुल इतनी सारी बाइकों के बीच में लगाई। चलते चलते हम लोग जो है ना एक्सप्लोर करते हुए जा रहे हैं। ये देखें भाई अभी यहाँ पे प्लास्टिक के बर्तन वाली मार्केट स्टार्ट हो गई है, सही यहाँ पे क्रॉकरी श्रॉकरी सब है, वॉशरूम्स वगैरह के काम की चीज़ें सारी यहाँ पे मिल रही हैं। ये भाई सारी बाइक्स जो है ना वो यहाँ उठ के आती हैं, ये रही अपनी बाइक, ये रही हेलमेट के साथ पहुँची है यहाँ पे भाईजान। अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा जुर्माना पे करना पड़ेगा, कितना 200-300 रुपये है ना। आपके साथ लाइफ में सेकेंड टाइम हुआ है भाईजान? लास्ट टाइम जो है ना हम लोग इस मार्केट में आए थे, सही हम दो बाइक्स पे थे। मैंने अदनान भाई को बोला मैं मार्केट में जा रहा हूँ, आप मेरी बाइक का भी ध्यान रखें, अपनी बाइक का भी ध्यान रखें, अगर आप खड़े हुए हो ना बाइक के पास तो फिर ये लोग नहीं उठा के लेके जाते। तो मैंने बोला बाइक नहीं उठने देना। वापसी आए ना तो अदनान भाई खड़े हुए बोल रहे हैं भाई बाइक तो ले गए। यार ये तुमने क्या वर्ड मारा है। और आज जो है अदनान भाई के साथ सेकंड टाइम हो गया ये। अदनान भाई जुर्माना कितने का हुआ? 200 रुपये का भाईजान जुर्माना हो गया। अल्लाह अकबर। खोलो खोलो दरवाजा। अस्सलाम वालेकुम। ये आ गया है हमारा सामान। ये देखिए मामा जमा कितना जिद्दी हो गया है, थैली खोलने लगा है कि अभी खोल के दे दो अप्पा अप्पा। आज की जो वीडियो है ना उसमें मैं मोहम्मद अहमद को भी दिखाने वाला हूँ। दिखा दूं भाई बेगम, दिखा दूं अबू जी, दिखा दूं मोहम्मद अहमद को, दिखा दो चलो मम्मी, दिखा दूं मोहम्मद अहमद, दिखा दो। तो अभी जो है ना हम पहले अम्मी बोलिए जरा सा तो रह गया, दिखा दो। आज जो है ना फुल टाइम फैमिली टाइम है, आज हम सब साथ बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा रहे हैं, ठीक है ना। तो घर में बंद होने का जो है ना एक फायदा ये भी है, खाना खाने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। आज हमारे साथ जो है ना छत के ऊपर ये कारनामा करने के लिए जो है ना अलीश भाई और हुरैरा ने भी ज्वाइन कर लिया। मैं जो भी कोई इस तरह के कारनामे करने लगता हूँ ना मैं इन लोगों को भी बुला लेता हूँ, सही। और भी बच्चे आ गए माशाल्लाह, लेकिन वो बगैर कैमरे वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है ना छत पे जा रहे हैं, और अब जो है ना हम लोग बलून फुलाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डे लाइट के अंदर अंदर ये सारा काम करना है। हम आ गए ऊपर, ये सारी छत हमने आज बलून से सजा देनी है, और फिर इसके बाद खेलना है यहाँ पे। बदमाश मुर्गी कैसी हो, बड़े अटैक करती हो मुर्गे पे। वही दूसरा लगा है लोटीनो, अच्छा वो अंदर छुपा हुआ बैठा हुआ है वो रहा। हाँ अब कैसी तबीयत है भाई आपकी, जरा जख्म देखें इसका। हाँ ये यहाँ पे नीचे जख्म हो गया था, बेहतर हो गया माशाल्लाह। ये क्या है बच्चों, कुछ समझ आ रहा है क्या है, क्या है ये? बलून फुलाने वाला है। चले भाई अब जो है ना हम इसको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के साथ लगाते हैं, और बलून फुला के जो है ना यहाँ से ये छत पे ट्रांसफर करते रहेंगे, सही है।
आ गया मेरा बच्चा तैयार होके? वेरी गुड, चलो बैठो हम बुलाते हैं, सब बच्चे बुलाएंगे थोड़े थोड़े, ठीक है। हमने जो है ना बेगम को भी आज अपनी टीम में शामिल कर दिया, मैंने बोला काम वाम छोड़ो आज ऊपर छत पे बैठ के सारे तमाशे करते हैं, ठीक है। अब बेगम आपने फुलाना है, आप मुझे फुला फुला के दें, मैं इसको जो है ना इसकी नॉट बांधूंगा, ठीक है। बेगम आपको मैंने सिखा दिया, अब आपने बलून फुलाने और मैं नॉट बांधूंगा, करें करें करें, वेरी गुड। बस देखते ही देखते आप लोग देखें ये उंगलियों के हमारे क्या हाल हुए हैं, उंगलियां ही लाल हो गई हैं, बलून का कलर निकला, लेकिन एक रूम तो हमारा पूरा हो गया और अभी जो है ना हमें पूरी छत भरनी है, पूरी छत। बैठे बैठे बलून फुलाते फुलाते जो है ना कमर पूरी टेढ़ी हो गई यार, अभी थोड़ा सा वॉक करके आता हूँ मैं, ठीक है। बेगम लगी रहे आप शाबाश, ये अभी हमारे पास काफी सारे बलून हो गए हैं ऑलरेडी, लेकिन पूरी छत भरनी है अभी हमको, और अभी जो है ना छत के ऊपर अच्छे खासे बलून हो चुके हैं, जैसे जैसे हवा चल रही है वापस उस तरफ जा रहे हैं सारे बलून, ये देखिए सारे उस तरफ जमा हो गए बलून, लेकिन अच्छे खासे हमने फुला दिए हैं भाई, हाथों की जो है ना रेड़ लग गई है। बच्चे जो है ना बलून को ले जा रहे हैं उस तरफ, लेकिन हवा से जो है ना बलून वापस इस तरफ आ रहे हैं। ओए होए, आज हमने जो है ना 900 बलून फुलाए भैया, 900 बलून, ये पूरी छत कवर्ड थी, लेकिन जो है ना हवा से ये देखें सारे कॉर्नर में जमा हो जाते हैं। स्विमिंग पूल लग रहा है, करो स्विमिंग, करो स्विमिंग, करो इसके अंदर स्विमिंग करो। आज जो है ना मुर्गे मुर्गियां भी देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ये क्या चल रहा है यहाँ पे। ये हमारा मोहम्मद अहमद माशाल्लाह, बोलो बलून। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद क्या है? बलून है, बलून है। आ जाओ मोहम्मद अहमद, भागो, आ जाओ, आ जाओ मोहम्मद अहमद, भागो 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 भागो। बच्चों अब जो है ना आप लोगों ने बलून फाड़ने, जल्दी जल्दी बलून फाड़ो सारे। ओ यार बच्चे इतना एंजॉय नहीं कर रहे जितना तो भाई एंजॉय कर रहे, सारे बच्चे गिर जाओ। ये देखें भाई, ये कपड़े धोने की जगह पे भी यहाँ पे भी बलून जमा हो गए सारे। हम बलून सारे निपटा के अब जो है ना नीचे आ गए, आ गए मोहम्मद अहमद नीचे, हम लोग हाँ नीचे आ गए, नीचे आ गए। बलून की एक्टिविटी भी हो गई, इसके बाद फिर बच्चों को जो है ना चिल्ड्रन फेस्टिवल चल रहा था कहीं पे, तो फैमिली ने बोला कि आप हमें वहां लेके चलो, तो मैं वहां लेके गया, मैं तो गाड़ी में ही बैठा हुआ था, लेकिन इन लोगों ने खूब एंजॉय किया, बच्चों ने भी और इन लोगों ने भी। इसके बाद फिर अभी इन लोगों को मैंने फाइनली घर पे छोड़ दिया और इन लोगों ने मेरे को छुट्टी दे दी, बोला जाओ अब तुम आजाद हो, और मैं जा रहा हूँ अब आमिर के पास, ठीक है। और आज रात को इमरान भाई वापस यूके जा रहे हैं, तो उनको भी एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाना है, तो भाई कहीं जाना नहीं है, साथ साथ रहे। अब हम लोग आ गए हैं आमिर भाई की दुकान के बाहर, लेकिन ये देखें दुकान तो बंद है। जब आमिर भाई की दुकान बंद हो जाती है ना, तो यहाँ पे खाने पीने का सेटअप भी लगता है। अब यहाँ से हम जो है ना बारबेक्यू बीफ प्यारी बोटी खाएंगे, क्योंकि बड़ी क्रेविंग हो रही थी, सही है ना, शाम से क्रेविंग हो रही थी। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने बोला कि यार आज जो है ना बाहर का खाना नहीं खाऊंगा, अपनी क्रेविंग को अंदर ही रखता हूँ। जैसे ईशा की नमाज पढ़ के निकला ना, आमिर ने बोला यार कुछ बारबेक्यू वगैरह खा ले, मैंने बोला भाई अच्छा खासा मैं रोक के बैठा हुआ था अपने अंदर, अब तुमने जब ले ही आए हो मुंह पे, तो मैंने बोला चलो भाई खाने के लिए चलते हैं। लेकिन आज जो है ना हम सिर्फ बारबेक्यू नहीं खाएंगे, आज हमको डिफरेंट सीन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे। आज जो है ना रेस्टोरेंट के ओनर को बुलाते हैं, सही, और उसके साथ आज कुछ हम जो है ना गड़बड़ करेंगे। भजन आ गए हैं, ये बारबेक्यू बनाते बनाते आए, कैसे हैं भाई सलमान भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। यार हम जो है ना आज कुछ नया करने जा रहे हैं, सही है। ये मेरे पास एक कॉइन है, आप पांच वाला साइड लेंगे या चांद सितारा लेंगे ये बताएं, ये सिक्का चलेगा? आइए इसमें क्या है, सऊदीया का है, ठीक है माशाल्लाह, मतलब आप भी हल्के नहीं आ रहे ना। अच्छा ये देखें, एक के ऊपर तलवारें बनी हुई हैं, खजूर का दरख्त बना हुआ है, और दूसरे पे 50 लिखा हुआ है, आपकी साइड कौन सी ये बता दें? खजूर वाली, और मेरी 50 है। आज जो है ना हम दोस्तों के दरमियान कॉइन नहीं उछलेगा, आज डायरेक्ट रेस्टोरेंट का ओनर, अगर मैं जीता ना तो ओनर बिल ही नहीं लेगा, और अगर ये जीत गया तो मैं बिल पे करूंगा, ठीक है भजन? ओके सही है। आमिर भाई ये उछाले आप, ये ले, सही है। एक मिनट एक मिनट, अभी एक बार रिवाइज कर लें, खजूर वाला आया तो ये जीतेंगे और बिल मैं पे करूंगा, और अगर 50 आया तो बिल नहीं पे करेंगे, ठीक है, चलें चलें, सही है, चलें दिखा दे, दिखा दे, दिखा दे भाई, ये खजूर वाला है, खजूर वाला है, अरे यार चलें यार, आज आपको भाई फंस गया, कह रहे कोई मसला नहीं, कभी कभी होशियारी करने में बंदा फंस जाता है। अब बिल तो हमारे गले में आ गया है, लेकिन खाना भी अब आ गया है माशाल्लाह, ये देखे भाई जान, इसकी क्रेविंग हुई थी बीफ बिहारी बोटी की, और आमिर भाई को जो है ना चिकन की जो है ना बोटी खानी थी, और ये आ गया पराठा गर्मा गर्म, और अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ओए होए होए होए, जो क्रेविंग थी ना अल्हम्दुलिल्लाह सैटिस्फाइड। हाँ बेटा तुम परहेज पे हो? सीख कबाब। अच्छा सीख कबाब का इंतजार कर रहे हो, सिर्फ तुम्हारी बीफ सीख आ गई है,
ओए होए होए होए, ये सीख भी बड़ी अच्छी लग रही है। अमेजिंग। अब हम आ गए हैं इमरान भाई को पिक करने के लिए। चलें इमरान भाई, होपफुली आपका टाइम जो है ना यहाँ पे अच्छा गुजरा होगा भाई। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, प्लेजर। और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, ठीक है? सही है। चलें आमिर भाई, आप इनको छोड़ के आए अंदर, और मैं किसी वजह से जो है ना अंदर नहीं जा सकता, मैं यहाँ पे रोड पे खड़ा रहूँगा। यूसुफ, अब हम लोग यहाँ पे खड़े खड़े क्या करेंगे? ये स्विमिंग पूल है, चलो डुबकी मारो। तुम वैसे भी बड़े चैंपियन, हर जगह डुबकी लगा दो, मारो मारो डुबकी। और ये आ गए आमिर भाई छोड़ के इमरान भाई को। चले भाई, बैठो बैठो बैठो। चले भाई, तो इसी के साथ आज का व्लॉग हम एंड कर रहे हैं। होपफुली आज की पूरी एक्टिविटी, स्पेशली बलून वाली, आप लोगों ने बहुत एंजॉय की होगी, और मोहम्मद अहमद को भी आप लोगों ने देख लिया होगा। बहुत सारे कमेंट मैंने देखे थे कि भाईजान मोहम्मद अहमद को दिखाएं दिखाएं दिखाएं, सब माशाल्लाह कह दीजिएगा। और अभी मैंने सीट लिटा दी है, आमिर भाई गाड़ी चला रहे हैं, और यूसुफ भाई क्या करेंगे कमेंट बताएं, क्या करेंगे? मसाज करेंगे, ठीक है भाई। अगले व्लॉग में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।